अंकल अभी अपना जलवा दिखाते हुए। हम खुश है लेकिन ये कि रास्ता बंद है, हम इधर खड़े हैं। तो इसमें अभी ये खुशी की कौन सी बात है, देख सकते हैं अच्छी सी अच्छी गाड़ी यहाँ पे जो है तो फंस रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप? तो सबसे पहले जो है तो मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। तो आज जो है तो सीन कुछ ये है कि आज जुमे का दिन है और हमारे रिलेटिव्स में कुछ हुई है फौतगी जो कि बनू में रहते हैं। तो आज प्लान कुछ ये है कि हम जाएंगे उनकी तरफ। तो हम जो है तो रेडी हो चुके हैं, अभी जो है तो वो भी रेडी है। अभी बनू जा रहे हैं नहीं। अंकल अभी अपना जलवा दिखाते हुए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। सरकार साड़ी अपनी है। पूछा मैंने कुछ जी? तो हम जो है तो यहाँ पे नमक लेने आए हैं, रास्ते में नमक का, तो हमने सोचा कि हम लेते जाएं, यहाँ का बड़ा अच्छा नमक होता है। ये देख सकते हैं यहाँ का हाजी साहब आए हैं। तो नमक वगैरह हमने ले लिया है, अभी बस सीधा निकलेंगे बनू की तरफ। मैं खुद भी काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ बनू। तो हम जो है तो करक अभी पहुँच गए हैं, अब इसके बाद जो है तो अब निकलेंगे सीधा बनू। ये मेरे दादाजी हैं। अब जी तो कैसे हैं आप? तो हम जो हैं तो बनू पहुंच गए हैं, और जैसे ही हम बनू में इंटर हुए हमने देखा कि रोड जो था तो वो फुल ब्लॉक था। ये देखिए हम जो हैं तो वी लव बनू के साथ ही खड़े हैं, बिल्कुल वो बाउंड्री लाइन पे ना। लेकिन यहाँ पे जो है तो पीटीआई की कुछ मतलब चाहने वाले हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो उस वजह से उन्होंने रास्ता वगैरह सारा बंद किया हुआ है। अब देखते हैं यार कोई और रास्ता हो कि जिससे हम वहाँ एंट्री कर सकें, वहाँ फौजी हुई है। पूछते हैं लोगों से। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस मौके पे? पीटीआई वालों ने किया है, अच्छा किया है, हम खुश हैं, लेकिन यह कि रास्ता बंद है, हम इधर खड़े हैं। तो इसमें अभी ये खुशी की कौन सी बात है? ये बात है कि ये हमारी पार्टी के अच्छा है कि ये कर रहे हैं इस तरह। अबजी जो है तो खुद पीटीआई सपोर्टर है, दैट्स व्हाई अबजी को मतलब ये है कि सिर्फ इस बात का दुख है कि इन्होंने रास्ता बंद किया है, बाकी वो कर अच्छा रहे हैं यार। शाबाश। ये आप देख सकते हैं ये कुछ सिचुएशन है, क्योंकि वो रोड बंद था और अब जो है तो किसी ने बताया कि ये वाला रास्ता है। और पूछते हैं लोगों से कि क्या ये कोई रास्ता नहीं है यहाँ से जाने का, पानी है और ये गाड़ी काफ़ी लगती है नीचे। ये आप देख सकते हैं अच्छी सी अच्छी गाड़ी यहाँ पे जो है तो फंस रही है बार बार। वो हालत काफ़ी यार यहाँ के ख़राब हैं। तो आप देखते हैं यार किसी ने कहा ये वाला रास्ता भी वहाँ जाता है बंद बाजार में, अब सीधा वहाँ निकलेंगे यार, रास्ता बन गया यार। अंकल इस जलालत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फिर भी पीटीआई जिंदाबाद। क्या बात है। ओहो हमारे मामू हमारे लिए खड़े हैं।
मेरे प्यारी माँ। तो फाइनली गाइस हम जो है तो यहाँ बंद पहुँच गए हैं और यहाँ पे जो है तो यहाँ पे दुआएं खैर होगी सही है और दुआ वगैरह हमने कर ली है। उसके जाएंगे नमाज पढ़ने उसके बाद भी तो हमने जो है तो नमाज वगैरह अदा कर ली है और वहाँ कर भी वेट कर रहे हैं हमारे। ओके तो फाइनली गाइस हम जो है तो बनू से निकल रहे हैं और की तरफ और बस टाटा बनू। अंकल चाय पिला रहा है वो भी इजाजी में इजाज का खेल। ये देखिए ड्राइवर यहाँ पे जस्ट ड्राइवर चाय पीते हैं हम नहीं पीएंगे हम तो पैसेंजर हैं। चाय जो है तो हमारी आ गई है यार। तो यहाँ की जो चाय है वो बेहतरीन होती है यहाँ की और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है बस जो मुझे अच्छा लगता है जो चीज़ तो मैं आप लोगों से वो शेयर करता हूँ। अबे जी चाय यहाँ की कैसी होती है? बहुत जबरदस्त जनाब बहुत जबरदस्त इसलिए बनू से आ गए इधर चाय पिए। अबे जी ने रास्ते पे जितने होटल्स थे सबको छोड़ के यहाँ पे आया है और यहाँ पे जो है तो चाय पिए। अबे जी की तकरीबन 70-72 साल एक्सपीरियंस में ये बात है कि थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। ओके अबे जी बिल्कुल यही बात है। दुनिया में तो दो तीन चीजें हैं मीठा चाय मिर्चियों वाली तरकारी खूबसूरत बेबी तीन चीजें हैं मीठी चाय और तीखा सालन और प्यारी बीवी। बड़ा हरामी हो बेटा बस ये जिंदगी में ना होना तो कुछ नहीं है। 2000 years later तो फाइनली गाइस मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड कोहार्ट पहुंच गया हूं और अब आप बताएं कमेंट में कि आपको बनू कैसा लगता है बनू के लोग कैसे लगते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो। मिलते हैं इंशाल्लाह नई व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।